नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स न्यूज चैनल के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और नाइट राइडर्स पड़ गए हैं मुश्किल पे। दिल्ली कैपिटल्स को लगा है एक और झटका, साथ में और 3 नए अपडेट के बारे में। तो अगर आप भी है आईपीएल के फैन तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे। अगर क्रिकेट के हर एक न्यूज से अब अपडेट रहना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के सबसे बड़ी खबर मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए बढ़ सकती है क्वारंटाइन पीरियड। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 13 एडिशन का यूएई में स्टार्ट होना सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। सभी ऑटो फ्रेंचाइजी यूएई पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई द्वारा जारी किया है सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत सभी टीम 6 दिनों का आइसोलेशन पीरियड खत्म करके कुछ टीम आउटडोर में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट भी कर दिया है। इस बीच मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी टीमों के लिए एक बुरी खबर आई। यूएई के शहर आबू धाबी के नियम के मुताबिक इन दोनों टीमों को आईपीएल के बायोसिक्योर बाबल में जाने से पहले 7 दिन का एक्स्ट्रा क्वारंटाइन पीरियड में गुजारना होगा, जबकि केकेआर 20 अगस्त को और मुंबई इंडियन 21 अगस्त को आबू धाबी पहुंची। जिन टीमों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है वो दुबई में अपना आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। आबू धाबी में क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई इंडियंस और केकेआर की टीम कुछ दिन और होटल रूम में लॉक होकर गुजारना पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस के एक ऑफिशियल ने कहा कि उन्होंने बीसीसीआई को इस मामले को देखने के लिए कहा। क्वारंटाइन पीरियड सभी टीमों के 7 दिन का होने के बावजूद मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स दोनों टीम के लिए 14 दिन का होगा, तो ये एक बड़ी समस्या आई है कलकत्ता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस के लिए। इसका हल क्या होगा आगे हम लोगों को पता चलेगा। आते हैं दूसरी न्यूज पे। दूसरी न्यूज भी कलकत्ता नाइट राइडर्स से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता नाइट राइडर्स के स्टार गेंदबाज हेनरी गुडने ने अपना नाम वापस ले लिया है आईपीएल 2020 से। कलकत्ता नाइट राइडर्स अपना प्रैक्टिस शुरू करे उससे पहले कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए बड़ा झटका लगा। कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम में शामिल इंग्लैंड क्रिकेटर हैरी गुडने आईपीएल 2020 से बाहर हो गए। टीम के स्टार गेंदबाज हैरी गुडने खुद इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं आईपीएल 2020 में शामिल नहीं हो सकता, मेरी सर्जरी की वजह से मैं आईपीएल नहीं खेल सकूंगा। हेनरी ने सोशल मीडिया पर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के टाइटल जीतने की शुभकामनाएं दी। आते हैं तीसरी खबर पे। जल्दी जारी हो सकता है शेड्यूल। शेड्यूल को लेके एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल के शेड्यूल का सभी फ्रेंचाइजी टीम और सभी फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंत तक आईपीएल के शेड्यूल जारी हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 हिस्से में बांटा जा सकता है, जिससे टीमों को कम से कम ट्रेवल करना पड़ा। दुबई के सेफ्टी प्रोटोकॉल और आबू धाबी के सेफ्टी प्रोटोकॉल दोनों में बहुत सारे अंतर रहने के कारण ये शेड्यूल को लेके थोड़ा परेशानी हो रही है। मगर ऑफिशियल की तरफ से हर दिन नए नए शेड्यूल को लेके बयान आ रहा है, मगर हम लोग आशा करते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आईपीएल का शेड्यूल जारी हो सकता है। जैसा कि बताया था कि 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा आबू धाबी में 21 मैचों का हो सकता है, दूसरा हिस्सा दुबई में 21 मैच का हो सकता है, तीसरा हिस्सा शारजाह में 14 मैचों का हो सकता है। प्ले ऑफ मैच के लिए टीमों को दुबई लौटना पड़ सकता है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल कोई पिक्चर या कोई न्यूज नहीं आया है। चौथी खबर, फिर एक बुरी खबर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। इंडियन
प्रीमियर लीग का 13 एडिशन की शुरुआत से पहले फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल को लगा है बड़ा झटका। इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डैनियल सेम्स को टीम में शामिल किया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भी अपना नाम वापस ले लिया था। मांसपेशियों के खिंचाव के कारण उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। ओल्ड टफल्ड में इस हफ्ते प्रैक्टिस के दौरान जेसन रॉय को चोट लगी थी। बुधवार को हुई स्कैन में उनकी चोट की जानकारी मिली। रॉय इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने दिल्ली कैपिटल से नाम वापस लिया। इससे पहले क्रिस वोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया था निजी कुछ कारण से। जितना आईपीएल नजदीक आ रहा है उतनी खबर उतनी अपडेट निकल के आ रही है टीम से रिलेटेड आईपीएल से रिलेटेड। तो ये था चौथी खबर। पांचवी खबर जो है वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने दुबई एक्सपो को आईपीएल 2020 सीजन के लिए अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में साइन किया था, मगर COVID-19 महामारी के चलते व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और दुबई एक्सपो ने राजस्थान रॉयल्स के टाइटल स्पॉन्सरशिप से बाहर निकल गया। लेकिन अब अंत में राजस्थान की टीम आसानी से सांस ले सकती है, काहे कि उनके रिप्लेसमेंट मिल गया है। हालांकि 55-60% कम उनको लाभ होगा। भारत के प्रमुख हिंदी समाचार नेटवर्क TV9 भारतवर्ष ने आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में हस्ताक्षर किया। रॉयल्स आईपीएल के 13th एडिशन में टीम की जर्सी के सामने TV9 का लोगो रहेगा। ये था आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।